नमस्कार दोस्तों, भक्ति नगरी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सपने में चरण स्पर्श करने का क्या मतलब होता है, यानी कि आप सपने में यदि पांव छूकर प्रणाम करते हुए देखते हैं तो इस सपने का क्या मतलब होता है, ये सपना शुभ होता है या फिर अशुभ होता है, ये जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो दोस्तों, सपने में पैर छूना स्वप्न शास्त्र के अनुसार शुभ सपना माना जाता है। इस सपने के अनुसार आने वाले समय में आपके आयु, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। इसके साथ ही साथ आपको अपने सभी कार्यों में भी सफलता की प्राप्ति होगी। आपके सभी कामों में आपको सफलता मिलेगी, आर्थिक उन्नति होगी। इसलिए सपने में पैर छूना एक शुभ सपना माना जाता है। अगर आप सपने में स्वयं को किसी वृद्ध व्यक्ति के पैर छूते हुए देखते हैं, यानी किसी भी बड़ों के, मम्मी पापा हुआ, सास ससुर हुआ, नाना नानी, किसी भी वृद्ध व्यक्ति के पैर छूकर प्रणाम करते हुए देखते हैं, तो यह सपना आपकी आयु में वृद्धि की ओर संकेत करता है। अगर आप काफ़ी समय से बीमार चल रहे हैं तो आपकी यह बीमारी अब समाप्त हो जाएगी और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए सपने में किसी वृद्ध व्यक्ति के पैर छूना बहुत ही ज़्यादा शुभ सपना माना जाता है। यदि आप सपने में किसी साधु संत या पंडित जी के पैर छूते हुए देखते हैं तो यह सपना बताता है कि आने वाले समय में आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए यह सपना बहुत ही ज़्यादा शुभ है। शिक्षा के क्षेत्र में आपका ज्ञान बहुत अधिक बढ़ेगा। यदि आप सपने में स्वयं के ही पैर छूते हुए देखते हैं तो यह सपना अशुभ माना जाता है। इस सपने के अनुसार आपको आने वाले समय में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।